मैंने अपने लिए जर्मनी से ये ब्रेसलेट लिया है जिसकी प्राइस है 13 यूरो। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, सिंपल। वापसी का सफर शुरू हो चुका है। अब हम इंशाल्लाह सुबह 10 बजे तक नॉर्वे पहुंचेंगे और फिर वहां से 15 मिनट की ड्राइव है, फिर हम घर तक पहुंच जाएंगे। ये रहा हमारा 2-3 दिन का ट्रिप है जिसमें ज़्यादातर हम लोग फेरी के अंदर ही रहते हैं और 5 घंटे के लिए हमें ट्रैवलिंग टाइम मिलता है कि आप जर्मनी जाएं और उसको देखें और थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करें, क्योंकि ये बड़ा शहर नहीं है जर्मनी का। लेकिन ये है कि आप तफरी करते हो अपनी फैमिली के साथ, 2-3 दिन आप अच्छा स्पेंड करते हो। अब मैं आपको इसकी प्राइस बताती हूँ। हमने इसके 900 क्रॉन दिए थे इस रूम के, जिसमें खाना पीना वाईफाई ये सब हमने खुद पे करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना महंगा खाना खाना है और कितना थोड़ा कम प्राइस में। यहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, अच्छी प्राइस में मिलती हैं, ड्यूटी फ्री शॉप भी है यहाँ पर। तकरीबन सभी प्राइस आपको नॉर्वे के हिसाब से कम प्राइस में आपको यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। और अगर आपने वाईफाई लेना है तो उसके मुख्तलिफ पैकेज हैं, 12 घंटे के, 24 घंटे के, पूरी फैमिली के लिए। और सुबह के नाश्ते के लिए आपको 180 क्रॉन एक बंदे के देने होते हैं और बच्चों के हाफ प्राइस में आ जाते हैं। तो अच्छा खासा नाश्ता था, बुफे था नाश्ते में, तो आपका जो दिल करता है आप खाइए, जितना मर्ज़ी खाइए, और चाय वगैरह पिए, कॉफ़ी पीजिए, स्मूदी थी, जो कुछ आप सोच सकते हो वो सब कुछ था यहाँ पर नाश्ते में। काफ़ी अच्छा रहा नाश्ता भी। फिर हम तकरीबन 10:30 बजे के टाइम पर हमें यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिला, क्योंकि काफ़ी टाइम हमें वेट करना पड़ा, मैंने आपको पहले भी बताया था। फिर उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो शॉपिंग सेंटर में रहे, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। हमारा इरादा था कि हम एक दो जगहों पे निकल जाएंगे टैक्सी लेकर, लेकिन इतना शॉर्ट टाइम फिर मिला, क्योंकि 1 घंटा हमारा इसी में ज़ाया हो गया कि हम बाहर कब तक निकलेंगे। तो फिर हमने अपना इरादा पोस्टपोन किया, सिर्फ शॉपिंग सेंटर में रहे, थोड़ा सा हम बाहर निकले, बाहर थोड़ी वॉक की और कुछ चीज़ें ख़रीदी, जिसमें से मैंने अपने लिए ये ब्रेसलेट ख़रीदा। तो बच्चों ने अपने लिए शर्ट्स वगैरह ख़रीदते रहे हैं और बस इस तरह से थोड़ी बहुत शॉपिंग हुई और वापसी हमने की। वापसी पे हमें देर होगी, हमने भागम भाग हम पहुँचे, बोर्डिंग करवाई और हम अपने रूम में आ गए। बस फिर उसके बाद अभी बच्चे फिर बाहर निकल गए, मैं तो काफ़ी थक गई। मैंने कहा नहीं, मैं तो अब आराम करूँगी, अपनी नमाज से फारिग हुई हूँ, तो और इतना ज़्यादा अब क्या है आराम करना है। और शाम को ये है कि फिर बाहर निकलेंगे, दोबारा घूमे फिरेंगे। आज दोबारा से यहाँ पे सारे चीज़ें दोबारा वही सब कुछ, आप शो ज्वाइन करो और फिल्म जाके देखो, इंजॉय करो, घूमो फिरो, लोगों को देखो, दुनिया देखो, दुनिया किस रुख पे जा रही है, जो अपने आप को भी सुकून दे रही है और दूसरों को भी सुकून दे रही है, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रही है, खुशगवार लम्हात गुजार रही है। आप भी अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारिए। और ये नेट वगैरह की इसलिए सहूलत नहीं दी गई, ये आपको यहाँ पे खुद ख़रीदना है। वो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए।
क्योंकि जब भी हमारे पास ये वाईफाई की या नेट की सहूलत आ जाती है तो हम ज़्यादातर अपनी चीज़ें देखना शुरू हो जाते हैं, नेट ऑन करते हैं, यूट्यूब पे चले जाते हैं, इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, फेसबुक ओपन कर लेते हैं, जो हमें हमारे करीब के जो रिश्ते होते हैं उनसे हमें दूर कर देती है। तो इनका मकसद यही है कि अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं लेना चाहते तो भी आपके पास ये सहूलत है। तो ऐसे है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारते हो। मेरे बच्चों की इस मरतबा विंटर फेरिया थी, मतलब सर्दियों की छुट्टियां इन्होंने दी थी जो एक हफ्ते की होती हैं, उसी में हमारा प्रोग्राम बना और हम बाहर निकले। अगर आप यहाँ पर खाना पीना अपने साथ लेकर निकलते हैं तो सिर्फ आपको ट्रैवलिंग का ये जो रूम है इसका खर्चा उठाना पड़ता है, लेकिन उसमें भी कभी कभी आपको ये पैकेज देते हैं, उसमें आपको टिकट घर पे आ जाता है, सिर्फ आपने बुकिंग करवानी होती है और वो बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन उसके साथ आपको ये सहूलत नहीं मिलती कि आप ये जो विंडो है इससे बाहर का नज़ारा कर सकें। वो रूम्स जो होते हैं वो 5-6 मंजिलें जहाज़ की पानी के अंदर होती हैं, वहाँ पर आपको वो रूम मिलते हैं। और अगर आप पेमेंट करते हैं तो फिर आपको ये ऐसे रूम दिए जाते हैं जहाँ आप आराम से सहूलत से बाहर का नज़ारा भी कर सकते हैं। और अगर आप लग्जरी टाइप का लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी सहूलत है, उसके लिए आप और पैसे खर्च कीजिए। ये तो वही मिसाल हो गई कि आप जितना खर्च करो, जितना मज़ा लेना चाहते हो उसके लिए उतना ही आप पैसा खर्च करो, उतना ही मीठा होगा। तो ऐसे है कि आप खुशगवार रहना चाहते हैं तो वो आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप कहीं भी रहिए, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली के साथ खुश नहीं, कुछ भी नहीं, तो आप कितने बड़े लग्जरी रूम में भी बैठे हुए हैं तो आपको सुकून मयसर नहीं होता। हमने यही सोचा कि हमने तो सिर्फ रहना है और ज़्यादातर टाइम हमारा बाहर गुजरेगा, तो इतना पैसा हमें अपने रूम के लिए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि आपको मैंने बताया भी था कि इनके रूम्स में हर सहूलत है। इसमें हमें 4 बेड्स मिले हुए हैं, 2 जो बेड हैं वो ऊपर छत की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, तो एक वैसे फोल्ड हो जाता है आपके लिए, आराम से बैठने की काफ़ी स्पेस मिल जाती है। बाथरूम भी है, फ्रिज, टीवी, ड्रेसिंग टेबल और आपके कपड़ों को हैंग करने के लिए स्टैंड भी हैं। तो काफ़ी है कि अगर आपने सिर्फ आना है, सोना है, थोड़ी देर बैठना है, रिलैक्स करना है और फिर आप बाहर की तरफ निकल जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये उन फैमिलीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा पैकेज है जो कम खर्च में बहुत ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं। और अगर आप ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं तो फिर वो आप पे डिपेंड करता है। हमने वो जो पैसा जो यहाँ पर खर्च नहीं किया अपने रूम को लेने में, वो हमने अपने खाने पीने में, हमने अच्छा खाना खाया बाहर और अच्छी जगहों से चीज़ें वगैरह ख़रीदी और वो पैसा हमने वैसे यूज़ कर लिया। वैसे भी तो आपने करना ही होता है पैसा खर्च जब आप बाहर निकलते हैं, तो बेहतर यही है कि आप सोच समझ के फैसला कीजिए, जैसा आपको लगता है आप वैसे कीजिए। मेरा तो मशवरा यही है कि आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, आपकी फैमिली आपके साथ खुश होनी चाहिए, तो सारा मज़ा इसी में ही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ करीब करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये लोग देखें क्या कर रहे हैं। हम लोग इतनी ठंड में ना घर से बाहर भी ना निकले, ये लोग अपनी फैमिली के साथ, ये देखिए जिंदा दिल लोग हैं। हम लोग तो सिर्फ पता नहीं किसको जिंदा दिल कहते हैं। ये देखें ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखें जी। कोई मौका या हाथ से जाने नहीं देते। विंटर आता है तो विंटर के सारे काम ये करना शुरू हो जाते हैं। और अब ये देखिए मौसम अच्छा शुरू हुआ है तो अब ये परिंदों की तरह उड़ना शुरू हो गए हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, आप भी इंजॉय कीजिए इसको, देखिए। शिप चल रहा है और उसकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, लेकिन जब ये खुले समंदर की तरफ निकल जाएगा फिर अच्छे खासे आपको हिचकोले लगते हैं। लेकिन इस वक्त बिल्कुल खामोशी से पता भी नहीं चल पा रहा
और आपको भी मेरे ख्याल में कोई आवाज़ नहीं आ रही सिवाय मेरी आवाज़ के। ठीक है जी, अब मैं इस वीडियो के साथ अपनी सारी वीडियो को अख्ताम पज़ीर करती हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर से किसी और जगह पे अगर मैं गई तो उसकी ज़रूर जितनी हद हो सकी, जितना भी मेरे पास टाइम हो सका, क्योंकि मैं बच्चों के साथ हूँ तो इतना मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि उनकी डिमांड होती है कि मैं उनके साथ रहूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। तो मैंने जितनी कोशिश हो सकी थोड़ी बहुत उनके साथ मिलके वीडियो बनाने की कोशिश की है, तो नाकाम सी कोशिश है, लेकिन फिर भी अपने आप को, इंसान को ज़ाया नहीं करना चाहिए, वो जितनी कोशिश कर सकता है उसको करनी चाहिए। जैसी भी वीडियो बनी आप इसको देखिए, पसंद आए ना आए ये तो अब आप पे है, अपनी सी कोशिश करके देख ली हमने, जिस तरह का हमने थोड़ा बहुत इंजॉय किया वो आपके साथ शेयर किया। बाकी यहाँ पे खाने पीने का जो है वो हमें बहुत काफ़ी सोच समझ के खाना पड़ता है, सब कुछ होता है खाने के लिए, लेकिन हमें हलाल के लिए काफ़ी मसले होते हैं कि हम उन चीज़ों को नहीं खा सकते जो हलाल नहीं है या हलाल तरीके से ज़बा नहीं हुई हुई। और हमें यहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, आप चाहे अकेले सफ़र करें, चाहे आपका अकेला छोटा बच्चा सफ़र करे जो एज उसकी 15-16 साल हो जाए, वो भी सफ़र कर सकता है और बिल्कुल महफूज तरीके से वो अपने घर को आ सकता है। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिए, खुश रखने की कोशिश कीजिए अपने आप को इसलिए कि आप किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, आपके साथ जो चल रहे होते हैं वो भी आपके साथ खुश नहीं होते, लेकिन आप खुश होने चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप खुश हैं, आपका मन खुश है, आपके हाथ से, आपकी ज़ुबान से, आपके इर्द गिर्द के माहौल से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है, तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। अपनी दुआओं में याद रखिए जी, अल्लाह हाफिज़।